हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं कराऊंगी आपको कक्षा 3 पार्ट 2 सेखीबाज मक्खी का बुक वर्क। ओके, बुक वर्क मैं पहले कराऊंगी, कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद मैं कराऊंगी कॉपी वर्क। ओके, तो बुक फिल में कराऊंगी, ये सारा चीज़ तो हम कॉपी में करेंगे, बुक में जो जो चीज़ें हैं मैं आज कराऊंगी। आप देख सकते हैं आज मैं बुक वर्क कराऊंगी। तो पेज नंबर निकालेंगे आप 12। ओके, पेज नंबर 12 निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो बच्चों आपको लिखना है, आप जैसे शेर भोजन करके आराम कर रहा था तो तुम खाना खाके क्या करते हो? अक्सर अक्सर क्या करते हैं आप लोग, वो लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट जाते हैं, अक्सर कोई लोग लेट जाते हैं, कोई टीवी देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हो तो आप यहाँ पे लिखना है अक्सर लेट जाते हैं, कभी कभी टीवी देखते हैं, कभी कभी क्या करते हैं टीवी देखते हैं। अब नेक्स्ट है, शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? अब ये शेर है, देखिए ये सपोज आप हो। शेर क्या खाता है भोजन में, क्या खाता है बच्चों? जानवरों का मांस। ओके, तो आप लोग क्या क्या खाते हो यहाँ पर लिखना है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी राजमा छोले पूरी आदि। ओके, किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। आपको क्या करना है, ये पिक्चर है ना कहानी में, हमने देखी थी ना पिक्चर, ये वाली पिक्चर देखी थी ना कहानी में, इधर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है ना कहानी में, ये पिक्चर है ना, देखिए जी, तो यहाँ पिक्चर दे रखी है, तो इसमें कौन क्या कह रहा है आप, आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए शेर है ना, ये मक्खी है, देखिए ये शेर है, तो मक्खी शेर से क्या कह रही है इसमें मक्खी कह रही है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या कह रहे हैं, देखिए ये मक्खी है, ये शेर है, मक्खी शेर क्या कह रहा है, देखो मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। ओके, अब नेक्स्ट पेज है, अब नेक्स्ट पेज, अब आपको पिक्चर देखनी है बच्चों, ये हाथी है ये मक्खी है। ओके, ये हाथी है ये मक्खी है, अब मक्खी हाथी से क्या कह रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। अब देखिए ये मक्खी है, ये कौन है, लोमड़ी है। अब इसमें क्या कह रही है, देखो कौन किससे क्या कह रहा है, लोमड़ी रानी मक्खी कह रही है लोमड़ी से, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। मक्खी क्या कह रही है, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। अब देखिए ये मकड़ी है, ये मक्खी है, ये कौन है, लोमड़ी है। ओके, तो ये जाला है मकड़ी का, अब ये लोमड़ी मक्खी को फंसाना चाह रही है, वो क्या कह रही है, देखिए मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। मक्खी रानी उधर मकड़ी रानी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना, कौन कह रहा है, लोमड़ी कह रही है। ओके, अब नेक्स्ट है, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ, कहानी पढ़ी थी ना आपने, उसके हिसाब से बताना है। घमंडी, घमंडी कौन कौन थी, मक्खी। ओके, घमंडी कौन थी, मक्खी, क्योंकि मक्खी को बहुत ही घमंड आ रहा था ना, जंगल के राजा शेर को हराया और हाथी को हराया बोल रही थी ना वो। चतुर चालाक कौन थी इसमें कहानी में, लोमड़ी, लोमड़ी ने मक्खी को फंसा दिया था ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वैसे भी कहानी में भी चालाक है। समझदार, समझदार हाथी, हाथी ने क्या किया, हाथी चुपचाप से लोमड़ी को प्रणाम करके चलता बना, हाथी ने अपना समय जो है बर्बाद नहीं किया। ओके, डरपोक, डरपोक कौन था, शेर था। ओके, डरपोक कौन था, शेर। सबसे चतुर, सबसे चालाक कौन था, लोमड़ी। आलसी, शेर, शेर शेर को आलस आया था ना, शेर, ये तो शेर तो बहुत जंगल का राजा होता है, उस समय शेर को क्या आया था, आलस आया था, तो आलसी कौन था, शेर। ओके, नेक्स्ट पेज,
बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत जल्दी कर लेना। ओके, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ? ये भी मैं कॉपी में कराऊंगी आपको, ये भी कॉपी में। रास्ता ढूंढो, अब क्या करना है यहाँ से? रास्ता ढूंढना है। ओके, आपको इसको इसको क्या करना है, जिस समय आपको टाइम होता है उस समय ये मकड़ी है या मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा आपको? ये है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 में से ये मकड़ी तक पहुंचने पे, ये मकड़ी है ना, यहाँ तक पहुंचने में कौन सा रास्ता होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आपको ये ढूंढ के बताना है। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, जो बुक में है वो फिल कराऊंगी मैं आज। ओके, उड़ते मडराते, इनके पास तुम अक्सर किन किन को उड़ते मडराते देखा है? इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मडराते देखा है? जलते बल्ब के पास, आपने कभी ध्यान दिया कि जलते जो बल्ब जलता है हमारे घर में उसके पास कौन कौन कीड़े क्या क्या मडराते हैं? देखिए ना, छोटे 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 कीड़े मडराते हैं ना, मच्छर मडराते हैं, तो क्या हो जाएगा? कीड़े और मच्छर। खेतों में, खेतों में आपने देखा होगा क्या क्या मडराते हैं? टिड्डे होते हैं, मच्छर होते हैं। ओके, इकट्ठे पानी के ऊपर, जब कभी पानी इकट्ठा होता है जैसे कूलर में कहीं पर, हमारे जो तालाब वगैरह होता है उस होते हैं, उसमें क्या क्या मडराते रहते हैं? मच्छर और मक्खी। फूलों पर, फूल आपने देखे हैं ना अपने गार्डन में, फूलों पर क्या क्या मडराते हैं? मधुमक्खी और तितली। कचरे के ढेर में, कचरे के ढेर मतलब जहाँ पे बहुत सारा कचरा होता है उसमें क्या क्या मडराते हैं? मच्छर मक्खी। हलवाई की मिठाइयों पर, जो हलवाई होते हैं जो मिठाई बनाते हैं उन पर मिठाइयों पर क्या क्या मडराते हैं? मक्खी और मधुमक्खी। ओके, तो बच्चों ये बुक वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करना है? बुक को अच्छी तरह से फिल करना है। ओके, बहुत अच्छी राइटिंग में। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।